हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएन क्लासेज में। चलिए बायोलॉजी में फटाफट देख लेते हैं, जो भी शेष बचा टॉपिक था फटाफट देख लेते हैं। उसमें हमारा टॉपिक था छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आज देखने को मिलेंगे। जो भी हमारे फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए होंगे तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, और इसमें नए नए जो भी हमारे फैक्ट्स आएंगे वो आप उसमें क्या करें अपने नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट देख लेते हैं कि छोटी आंत में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि छोटी आंत कहते किसे हैं। तो ये जान लेना है, उसमें छोटी आंत में कॉन्सेप्ट है कि भोजन का पूर्ण पाचन का होना, अर्थात जितनी भोजन हमारी जो खाते हैं वह सारा पूर्ण पाचन किस में होता है, तो आपकी छोटी आंत में होता है। ये पॉइंट पहली बार जान लेना है, ये पॉइंट को अच्छे से जान लेना है। दूसरी पॉइंट कि छोटी आंत से दो प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है, ये भी आपको जान लेना है कि छोटी आंत से दो प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है। पहला का नाम है पीत रस, दूसरा का नाम है अग्नाशय रस। ये बिल्कुल आप इसके बारे में हम क्या करेंगे बड़े पैमाने पर आपको समझाएंगे। चलिए पहले यहाँ देख लेते हैं छोटी आंत के भाग। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? छोटी आंत के तीन भाग होते हैं। एक का नाम है पकवाशय, जिसको हम ग्रहणी कहते हैं। नंबर टू है आपका जेजुनम, और तीसरा है इलियम। कोई पूछता है कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, तो आप बताएंगे छोटी आंत के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला का नाम है पकवाशय, दूसरा का नाम है आपका जेजुनम, और तीसरा का नाम है इलियम। चलिए इन भागों के बारे में थोड़ा सा डीपली जान लेते हैं। पकवाशय में सबसे पहले जान लेंगे कि छोटी आंत का पहला भाग का नाम जो है वह क्या है? पकवाशय है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत का पहले भाग का नाम है क्या है? पकवाशय है। दूसरा है कि पकवाशय के बाद जो भोजन हम क्या करते हैं, जो करते हैं, तो पकवाशय की जो है अमाशय के बाद वह भोजन कहाँ चला जाता है? पकवाशय में चला जाता है, अर्थात ग्रहणी में चला जाता है। तीसरी पॉइंट आप जान लीजिएगा, ये भोजन जब इसमें जाता है तो ये भोजन क्या होता है? क्षारीय से भोजन अम्लीय से क्या हो जाता है? इसमें क्षारीय बन जाता है। तो पूछेगा कि भोजन जो होता है अम्लीय से क्षारीय किस भाग में होता है? तो बताएंगे पकवाशय भाग में क्या होता है, भोजन अम्लीय से क्षारीय बनता है। अच्छा, अगले नंबर पॉइंट फोर में, इसमें पकवाशय में किसी भी प्रकार के एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। ये भी यहाँ पर हमने पॉइंट लिख दिए हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार के एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ दो प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। वो हार्मोन्स का नाम जान लीजिए, यहाँ पे कोलेसिस्टोकाइनिन है, पहला नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन, और दूसरा है सिकेटिन। सिकेटिन जो होता है, ये दो तरह के जो है उसमें हार्मोन्स पाए जाते हैं। किसमें? पकवाशय में। चलते हैं दूसरा भाग हमारे, देखते हैं जेजुनम। जेजुनम में नंबर पॉइंट आप जान लीजिएगा, जेजुनम में पाचन, भोजन का पाचन नहीं होता है। जेजुनम जो भाग होता है छोटी आंत में, उसमें भोजन का पाचन बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, दूसरी बात आप जान लीजिएगा कि पकवाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है? जेजुनम में जाता है। ये बात जान लेना है कि पकवाशय के बाद जो भोजन होता है वह कहाँ चला जाता है? जेजुनम में चला जाता है। ये बात आप दूसरा जान लेंगे। तीसरी बात जान लेंगे, यह भोजन जेजुनम से जाता है तो जेजुनम के बाद से भोजन कहाँ जाता है? इलियम में जाता है। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान दीजिएगा इस जेजुनम में। तीसरी बात हम जानेंगे इलियम के बारे में। इलियम जो होता है वह छोटी आंत की अंतिम भाग होता है। ये भी पूछ लेगा आपसे कि छोटी आंत का अंतिम भाग का नाम क्या होता है, तो आप बताएंगे कि छोटी आंत का अंतिम भाग जो होता है इलियम होता है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो जानकारी में आपकी होनी चाहिए कि यहाँ पे जो भोजन का जो क्या होता है पाचन एवं क्या होता है अवशोषण होता है। यहाँ पूछेगा कि कौन छोटी आंत में कौन सा भाग है जहाँ पे भोजन का पाचन भी होता है और वहाँ पे अवशोषण भी होता है। अवशोषण कहने का मतलब होता है यहाँ पे जल का क्या होता है अवशोषण करके छोटी आंत से निकाल कर कहाँ भेज देता है? बड़ी आंत में भेज देता है, इसलिए यहाँ पे अवशोषण कहा गया है। तो पूछेगा कि भोजन का पाचन एवं अवशोषण किस भाग में होता है, तो छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम में होता है। ठीक है, चलते हैं अब। छोटी आंत से दो प्रकार का जो एंजाइम निकलता है इसके बारे में थोड़ा ज्यादा बड़े पैमाने पर देख लेते हैं, ये काफी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट इसे सिंट आउट निकालिए और इसके आगे बताते हैं। चलिए स्क्रीन शॉट ले लिए। ठीक, अब चलते हैं उसके आगे। अब कहता है कि लीवर के बारे में जान लेते हैं। लीवर को हिंदी में यकृत बोलते हैं और उर्दू में क्या बोलते हैं? जिगर बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जब पूछेगा आपके, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो आपका आंसर आएगा लीवर जो होती है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पहली पॉइंट याद कर लेंगे। दूसरी पॉइंट आप याद रहेंगे कि इसका वजन कितना होता है, तो 1.5 किलोग्राम इसका वजन होता है। तीसरा बात आप जान लेंगे कि लीवर ही एक ऐसी क्या है अंग है
जो हमारे क्षतिग्रस्त होने पर या पुनः निर्माण का कर लेता है, कर लेता है, स्वयं पुनः निर्माण कर लेता है। चौथा पॉइंट हमारा है कि लीवर से क्या किसका निर्माण होता है, पीतरस का निर्माण होता है। ये भी बात आप जान लीजिएगा, जब भी क्वेश्चन आता है कि पीतरस का निर्माण कहाँ होता है तो आप आंसर लगाएंगे लीवर में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग पित्ताशय में चलते हैं। पित्ताशय का एक मुख्य काम यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यकृत द्वारा बनाया गया पीत आकार आकर जमा हो जाता है। आगे चलते हैं यहाँ से पित्ताशय। पित्ताशय में यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यकृत द्वारा जो बनाया गया होता है पीतरस, वो आकर कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में आकर जमा होता है। ये बात जानकारी में होनी चाहिए कि मतलब पित्ताशय क्या होता है, तो यकृत अर्थात लीवर में जो हमारा पीतरस बनता है ना, वही आकर किस में जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है। नंबर टू, पित्त का निर्माण नहीं होता है, पित्त का निर्माण पित्ताशय में नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर आकर क्या होता है, स्टोर होता है। तीसरी पॉइंट आप जान लीजिएगा, यकृत के ठीक नीचे होता है, ये जो होता है पित्ताशय, यकृत के ठीक नीचे वाले हिस्से में होता है। अगला पॉइंट हमारा चौथा है कि स्टोन का निर्माण, स्टोन का जो निर्माण होता है इसी पित्ताशय में होता है, और ठीक नहीं होने पर इसे क्या कर देता है, काट कर निकाल दिया जाता है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। अगला पॉइंट हमारा है कि पित्त जो होता है वह एंजाइम नहीं होता है, पित्त जो होता है वह एक एंजाइम नहीं होता है, लेकिन वह क्या करता है, भोजन को पचाने में सहयोग जरूर करता है। अगला यहाँ पे जान लीजिए कि यह भोजन को क्षारीय बनाता है, कौन, पित्त जो होता है वहाँ पे जो पित्ताशय में जो पित्त होता है वह भोजन को क्या बनाता है, क्षारीय बनाने में कार्य करता है। अगला यहाँ पॉइंट जान लीजिएगा कि पित्त का जो प्राकृत होती है वह कैसी होती है, क्षारीय होती है। और पूछता है पित्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.8 से लेकर 8.5 के बीच होता है। एक पॉइंट से यहाँ पे जान लीजिएगा, नोट में याद रख लीजिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि पाशीकरण किसे कहते हैं, तो यह जान लीजिएगा कि पित्त जो होते हैं भोजन में उपस्थित वसा को जो तोड़ देने की क्रिया जो होती है उसे क्या कहते हैं, पाशीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट इसका ऐसे शॉर्ट लीजिए ताकि आगे चले हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए फटाफट आगे देख लेते हैं। आपको हम पीछे पढ़ाए थे कि छोटी आंत के मुख्यतः तीन भाग होते हैं, एक नाम होता है पक्वाशय जिसको हम ग्रहणी बोलते हैं, दूसरा भाग है जेजुनम और तीसरा भाग होता है इलियम। ठीक है, और ये जो चीज़ें होती हैं, और उसमें सबसे पहले हमने बताया था कि पक्वाशय के मुख्यतः उसमें कोई किसी प्रकार के एंजाइम्स नहीं निकलते हैं, बल्कि उसमें हार्मोन्स निकलते हैं, और वह दो प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, वह चीज़ यहाँ पर आपके बारे में बता देते हैं। जो चीज़ है उसको देख लीजिए, यहाँ पे पकवासे में दो प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, बात की जानकारी में चाहिए कि पकवासे में मुख्यतः दो प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, पहले जान लीजिएगा, कोलोसिस्टोकाइनिन होता है और दूसरा होता है सिक्रेटिन होता है। अब ये दोनों चीज़ों का मुख्य कार्य क्या होता है देख लीजिए, यहाँ पे जो हम कोलोसिस्टोकाइनिन जो लिखे हैं इसका मुख्य कार्य होता है कि जो पित्तरस निकलता है वो उसको निकालने में क्या करता है, ये हार्मोन्स उत्तेजित करता है। ठीक है, और दूसरा है इसका मुख्य कार्य,
चलिए फ्रेंड्स हेसन शॉट ले लिए। चलिए अब अगला पॉइंट हमारा है बड़ी आंत। ठीक है, चलिए बड़ी आंत के बारे में जान लेते हैं फटाफट कि बड़ी आंत में सबसे पहले दो तीन पॉइंट आपको जरूर जानकारी में होनी चाहिए। पहला बात है आपकी कि बड़ी आंत जो होती है उसमें भोजन का पाचन नहीं होता। ये पहली बात जान लेना है कि भोजन का पाचन किसमें नहीं होता है, तो बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। दूसरी बात, इसमें केवल क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। ये बात जानकारी में होनी चाहिए कि इसमें केवल जल का अवशोषण होता है लेकिन इसमें भोजन का अवशोषण नहीं होता है। इसमें विटामिन बी का निर्माण होता है। ये बात जानकारी में होनी चाहिए कि विटामिन बी का निर्माण इसमें होता है। ठीक है, बड़ी आंत का भाग से बात कर लेते हैं। बड़ी आंत के भाग में सबसे पहले जान लेते हैं बड़ी आंत के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं इसका, तीन भाग होते हैं। कौन कौन सा भाग होता है, पहला बात जान लीजिए सिकम होता है, दूसरा होता है कोलोन, तीसरा होता है रेक्टम अर्थात मलाशय कह सकते हैं। सिकम जो होता है छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाता है, सिकम में प्रवेश कर जाता है। छोटी आंत के बाद जो भोजन होता है वह कहाँ चला जाता है, सिकम में प्रवेश कर जाता है। जो कहाँ होता है, सिकम दाहिने ओर होता है। उसी सिकम के जस्ट नीचे क्या पाया जाता है, अपेंडिक्स पाया जाता है, जो बिल्कुल वह जानकारी मुझे कि अवशेषी अंग है। ये जो काम है इसका अवशेषी अंग है, जो अपेंडिक्स का काम होता है क्या, सेलुलोज को क्या करना, पचाना। सेलुलोज को पचाना, जैसे मान लेते हैं कि जब भी हम क्या करते हैं साग सब्जी खाते हैं, वृक्षांश जो भी आपको सब्जियां खाते हैं वह सबको कौन पचाने का कार्य करता है, हमारा सेलुलोज करता है, अपेंडिक्स करता है। ठीक है, यहाँ पे जान लीजिए अवशेषी अंग क्या होता है, तो शरीर का जो अवशेषी अंग वह होता है जो शरीर में होता है पर कार्य नहीं करते हैं। अवशेषी अंग शरीर का वह होते हैं जो शरीर में तो होता है पर वह कार्य नहीं करता है, तो वह हमारा होता है क्या, हमारा अवशेषी अंग होते हैं, जैसे अपेंडिक्स होता है, कर्ण होता है या त्वचा के बाल होते हैं। चले यहाँ पर देखते हैं नंबर टू कोलोन। कोलोन के बारे में जान लेते हैं कि सिकम के बाद कोलोन प्रारंभ हो जाता है। सिकम के बाद कौन सा भाग प्रारंभ होता है, कोलोन भाग प्रारंभ हो जाता है। इसमें जल का अवशोषण होता है और इसमें क्या होता है, म्यूकस का निर्माण होता है। किसमें, कोलोन में जो होता है म्यूकस का निर्माण होता है। ये म्यूकस का निर्माण क्यों होता है, क्योंकि इसमें भोजन को क्या करना होता है, चिपचिपा बनाना होता है। और यह चिपचिपा जब भोजन बन जाता है तो यह किसमें चला जाता है, मलाशय में जाता है। और ये मलाशय में अपशिष्ट पदार्थ क्या हो जाता है, अगर जमा हो जाता है। और वही जो जमा हुआ मलाशय में जो भोज्य पदार्थ होते हैं या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वह गुदा के होकर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, किसमें निकल जाता है, मलाशय रेक्टम में। ठीक है, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला पॉइंट हम पढ़ बताते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए फटाफट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, अब चलते हैं अगला और आखिरी पॉइंट आपके पाचन तंत्र में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जान लेंगे, इसमें काफी हमने ऊपर हेडिंग लगा दिया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। यो यहाँ पे जो हमने लिखा है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। ये बहुत सारे परीक्षाओं में क्या करते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर दिए हैं। यहाँ पर ध्यान देना है कि पाचन की जो क्रिया एक जल अपघटन की क्रिया है, जो पाचन की क्रिया है वह एक जल अपघटन की क्रिया, ये बात आप जान लीजिएगा। और वह पाचन की क्रिया जो होती है शरीर में, वह संपूर्ण क्रिया जो होती है वह पांच अवस्थाएं में होती है। जो शरीर में हम भोजन रोटी मुंह में डालते हैं और ये बॉडी से बाहर परित्याग हो जाता है, उसके बीच में जो अवस्थाएं आती है वो कितने अवस्थाएं होती है, पांच अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी अवस्था होती है, पहला जान लेते हैं अंतग्रहण, दूसरा होता है पाचन, तीसरा होता है अवशोषण, चौथा होता है स्वांगीकरण और पांचवा होता है मल परित्याग। ठीक है, तो यहाँ पे अंतग्रहण का मतलब होता है कि जो भोजन हम मुंह में डालते हैं, जो भोजन मुंह में डालते हैं वह हमारा होता है अंतग्रहण। अर्थात यहाँ पर परिभाषा देख लीजिए क्या होता है, अंतग्रहण किसे कहते हैं, तो भोजन के निगलने की क्रिया को अंतग्रहण कहते हैं। ये बिल्कुल आप जान लीजिए, सिंपल में जानिएगा, बिल्कुल सिंपल में कि भोजन के निगलने की क्रिया को क्या कहते हैं, अंतग्रहण कहते हैं। दूसरी आपकी होती है जब भोजन निकल जाते हैं उसके बाद वह पाचन होना आता है, तो पाचन किसे कहते हैं यहाँ पे, तो भोज्य पदार्थों का छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है। जो भोज्य पदार्थ हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में आ जाता है और वह भोजन में जैसे वह बॉडी में एंटर करता है तो उसे छोटे छोटे सरल पदार्थ में क्या करता है, इसको तोड़ देता है। और तोड़ने की जो क्रिया होती है वह क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है।
उसका जब पाचन हो जाता है तो उसके बाद अवशोषण होता है, माने वहाँ पे जल का अवशोषण होना, अभी आपको पीछे पढ़ाए थे बड़ियात में जल का अवशोषण होता है, भोजन का अवशोषण नहीं होता है। ये चीज़ आपको कहाँ होता है तो अवशोषण में अंदर लेते हैं कि अवशोषण क्या होता है, तो पचे भोज्य पदार्थ को जो कोशिकाएं जल को सोख लेती है उसे अवशोषण कहते हैं। जैसे हमारे अंदर कोशिका होती है, जैसे चावल खाते हैं तो चावल के अंदर भी पानी होता है, तो पानी को क्या करती है अवशोषित कर लेती हैं और भोज्य पदार्थ को क्या करते हैं छोड़ देते हैं। अर्थात हमारे कहने का मतलब होता है कि अवशोषण का परिभाषा अगर आपको लिखना होगा तो लिखना होगा कि पचे भोज्य पदार्थों को कोशिकाएं जब सोख लेती है, क्या सोख लेती है, वहां के पानियों को सोख लेती है, उसे क्या कहते हैं अवशोषण कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा होता है स्वांगीकरण क्या होता है। तो स्वांगीकरण जान लीजिएगा क्या होता है कि जो पचे हुए भोज्य पदार्थ होते हैं और उससे हम क्या करता है ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, जो हमारा ऊर्जा कोशिका होती है तो कोशिका का कार्य, एक कोशिका में एक भाग होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है कि जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ होता है उससे क्या करता है ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। तो ऊर्जा प्राप्त करने की जो क्रिया होती है वह क्या कहलाती है स्वांगीकरण कहलाती है। उसके ऊपर हमने लिखा था अभी अवशोषण में कि यहाँ पे पचे हुए भोज्य पदार्थ को कोशिकाएं क्या कर लेती है सोख लेती है, और मान लेते हैं उसमें जल जो होता है सोखती है तो रस, जल सोखने वाला काम क्या है रसधानी का काम है। रसधानी क्या कर लेता है उसमें का जितने भोज्य पदार्थ का रस पानी वगैरह होता है वो क्या करता है सोख के कोशिका अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। और यहाँ पे स्वांगीकरण के बारे में आपको बता दिया कि पचे भोज्य से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया क्या कहते हैं स्वांगीकरण कहते हैं। अर्थात उसमें जो हमारे कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे क्या करता है स्वांगीकरण कर लेता है, अर्थात ऊर्जा प्राप्त कर लेता है और प्राप्त करने की क्रिया स्वांगीकरण कराता है। और अंतिम है मल परित्याग। मल परित्याग किसे कहते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पचने के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ, पचने के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं मल परित्याग कहते हैं। जो पचा हुआ भोज्य हमारे शरीर के अंदर बच जाता है उसे क्या करते हैं शरीर से बाहर निकाल देते हैं, और बाहर जब निकालते हैं उसे क्या कहते हैं मल परित्याग कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इसको आपको करना है, जानकारी होनी चाहिए। चलिए तो मिलते हैं हम अगले आपके, अब अगला आपका अगला टॉपिक आएगा आपका दांत। अगला आपका जो पॉइंट्स आएंगे वो होंगे आपके दांत, और दांत में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो आपको हम क्या करेंगे बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रख देते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। हाँ एक बात है कि एक बीच में जो वीडियो आपको बीच में पढ़ाई के बीच में एक वैल्यूम आपको नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, वैल्यूम प्राप्त इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर माइक के जो चार्ज था वो ख़त्म हो गया था और हम ऐसे पढ़ा दिए। खैर उसे कोई बात नहीं है, उसका हम एडिटिंग करके डाल देंगे, आवाज़ डबल करके डाल देंगे उसमें। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले पार्ट। जो भी हमारे फ्रेंड्स चैनल पर नए होंगे तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे। मिलते हैं हम अगले फैक्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।